है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मिशन शक्ति का असर अब देखने को मिल रहा है। जी हां, आज बालिका दिवस और मिशन शक्ति नायिका के तहत फिरोजाबाद से टॉपर्स बच्चियों को एक दिन के लिए अधिकारियों का पद नवाजा गया। आपको बता दें, कल्पना यादव बनी एक दिन की जिलाधिकारी, नेहा कुमारी बनी एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी, श्रुति यादव बनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और भूमिका चेलानी बनी एक दिन के लिए एडिशनल SP। मिशन शक्ति नायिका और बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज अधिकारियों के यहाँ जनता की सुनवाई। रोज बैठने वाले अधिकारी नहीं बल्कि महिला शक्ति के तहत अधिकारी बनाई गई वो बच्चियां कर रही हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल है। जी हाँ, आज उन्होंने फिरोजाबाद के सभी अधिकारी कार्यालय पर पद ग्रहण किया है। अगर बात जिलाधिकारी की जाए तो जिलाधिकारी का एक दिन का पदभार कल्पना यादव संभाल रही हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी की बात करें तो नेहा कुमारी मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर श्रुति यादव ने चार्ज संभाला और एडिशनल SP के पद पर भूमिका चेलानी ने कमान अपने हाथों में ले रखी है। आज इन सभी बच्चियां जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रही हैं। और जब मीडिया से इन्होंने बात की तो उन्होंने अपना आज का अनुभव मीडिया के समक्ष बयान किया और किस तरह यह कार्य कर रही हैं, आगे क्या फिरोजाबाद जिले को क्या जरूरत है, ये सब उन्होंने मीडिया को बताया। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। नारी शक्ति आज आगे आ गई। आपको आज क्यों जिलाधिकारी एक दिन के लिए बनाएंगे? ताकि हमें भी पता चले कि कैसी जिम्मेदारियां होती हैं उसकी। जैसे कि उसकी जिम्मेदारियां जो होती हैं, लोगों की बातें सुनना, उनका सॉल्यूशन करना, क्या क्या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, तो इसलिए देखा बनाया जाता है लोगों के लिए, तो इसलिए बनाया गया। आप मेघावी छात्रा हैं, जिले में आपने टॉपर किया है। कोरोना काल 10 महीने में पढ़ाई में क्या क्या दिक्कत आई? पढ़ाई पर सबसे पहले मैं बोर्ड और 12th की बात करूँगी। उनके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं और सभी बच्चों जैसे BSc करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनकी पढ़ाई पर लॉस हुआ है। खैर, वो ऑनलाइन क्लासें जारी की गई थी, सुविधाएं दी गई थी बच्चों को ताकि इतना लॉस ना हो उनका। फिर भी जो पढ़ाई सामने से मिलती है वो इतना नहीं हो पाता है, तो यही सबसे मेन चीज़ बहुत लॉस हुआ है बच्चों का। ई लर्निंग क्लास लगाई, गवर्नमेंट ने भी लगाई और निजी क्षेत्र ने भी लगाई। आपको लगता है कि ई लर्निंग क्लास से बच्चों को फ़ायदा मिला था? मिला था। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कैसे भी अपनी पढ़ाई पूरी करते ही हैं, चाहे उन्हें ऑनलाइन मिले या फिर सामने से मिले, तो बेनिफिट होता है बच्चों को पढ़ने से। अभी बजट आने वाला है, आप छात्रा रही हैं, वित्त मंत्री से क्या चाहेंगी इस समय ध्यान रखना आप जिलाधिकारी के? छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए सबसे मेन चीज होती है शिक्षा। उन्हें शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, मतलब
जो स्कूल है उनका विधिवत रूप से हर एक प्रोग्रेस होनी चाहिए, उस स्कूल की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी टीचर्स और सारी सुविधाएं बच्चों की जो भी होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं स्कूलों में, वो होनी चाहिए जो बच्चों को बेनिफिट मिले उससे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लड़कियों को आगे लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आज पूरे प्रदेश में सब जगह लड़कियों को सम्मान दिया गया है और आपको नायिका बनाया गया है। आखिर एजुकेशन सेक्टर में क्या बदलाव आने चाहिए, खासतौर पर गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर? बदलाव अब सरकार कोरोना को हटाना चाहती है, वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का इन 10 महीने में पढ़ाई का लॉस हुआ है, वो पढ़ नहीं पाए लेकिन पास नहीं, गवर्नमेंट ने एक नीति के तहत आगे बढ़ाया है। गवर्नमेंट को इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट भी क्या करे, एक ये बीमारी थी जो उनकी भी मजबूरी थी, उन्होंने जो कि अच्छा ही किया, लॉकडाउन रखा, इससे लोगों को फ़ायदा ही था, काफ़ी लोगों की मौत भी हुई इस चीज़ से, तो उनकी भी मजबूरी थी। तो अब वो क्या कर सकती है, बस इतना ही कहेगी कि अब अपनी आगे की तैयारी करो, अपनी आगे का फोकस रखो, जो हुआ वो हुआ उसे जान आपका हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, कोई परेशान ही नहीं करेगा, अगर वो परेशान करता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कोई लाभ नहीं आज तक प्राप्त हुआ था। चलिए अब फिर चेकअप करा दे, क्लास से बिता रहे हो ना? हाँ, मैं सिर्फ एक बार ये चाहता हूँ आज आप SSP क्यों बने? प्लीज थोड़ा सा। आज मैं SSP इसीलिए बनी हूँ, सबकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए। आज तक हमेशा सर सॉल्व करते थे तो उन्हें लगा कि हमें आज बालिका दिवस के मौके पर उन्हें भी कुछ करने का मौका देना चाहिए, उन्हें उनके जज्बा को देख के दिया गया है। तो मैं इसीलिए बनी हूँ क्योंकि मुझे सर ने इन्वाइट किया था, बुलाया था यहाँ पे कि आप करें ये। कोरोना काल में आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा बहुत ज़्यादा, इसकी भरपाई कैसे की? कोरोना काल में सबसे बड़ा अगर बच्चों के प्रति देखा गया है तो पर्यावरण में सबसे मतलब यही गलत हुआ है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। हालांकि सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सबने ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई, लेकिन ऑनलाइन में और जो ऑफलाइन में होता है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। ऑफलाइन में जो बच्चा खुद सामने करके जो कर सकता है वो ऑनलाइन में नहीं कर सकता। ये यहाँ SSP का एक दिन का पद लेने से पहले आपने थोड़ी एक्सरसाइज की होगी, क्या आपको मालूम है कि पुलिस का कितना टफ जीवन है, 24 घंटे की ड्यूटी है, क्या किया जाना चाहिए? बहुत टफ जीवन है, फिर भी लोग उसमें उंगलियां उठाते हैं, सब लोग मतलब फिर भी है ना इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस के ऊपर कि वो गालियां देते हैं, लेकिन जब ये सब लोग बोलते हैं उसके आगे ये भूल जाते हैं कि एक पुलिस जो सबकी रक्षा करती है, कोई भी दिक्कत होती है बेटियों के लिए हो या कोई भी दिक्कत, सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं हम, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वो हमें अच्छा ही निर्णय देंगी, हमें अच्छा न्याय देंगी, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। तो बहुत टफ जीवन है, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग हैं उनको हम नहीं संभाल सकते क्योंकि वो खुद ही नहीं समझते हैं। लोगों के घर के बेडरूम से लेके अपराध की चरम सीमा तक पुलिस अधिकारी लगे रहते हैं, सिपाही लगा रहता है, IPS लगे रहते हैं, इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए। ये सब इससे ना पूछे, ठीक है? लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, yes. क्या कोई अभी पॉस्को एक्ट से लेके कई कानून बन चुके हैं, इस पे और सख्ती की जरूरत है? कानून कितने भी बन जाएं और कितने भी बना लें, लेकिन जब तक खुद के दिमाग में कुछ नहीं आएगा ना लड़कों के या फिर किसी के जो करते हैं गलत, तब तक कुछ नहीं हो सकता, मैं जहाँ तक मानती हूँ। क्योंकि लड़कियाँ कहते हैं लड़कियों को खुद करना चाहिए, मतलब खुद संभल के रहें, लड़कियाँ खुद संभल के चलती हैं रास्ते में चलें, तो मैं देखती हूँ, मैं भी खुद लड़की हूँ, वो लड़के होते हैं ना वो क्या करेंगे, सीटियाँ बजाते हैं, गाना गाते हैं, बदतमीज होते हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं, इसमें लड़कियों की तो कोई गलती नहीं है। और नीतियाँ सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई भी दिक्कत होती है तो फ़ोन, मैं ये कहती हूँ कि मतलब खुद लड़की इतनी मजबूत बने ना, अगर कोई लड़का अगर उससे एक कहे तो उसे दो सुनाए ना, वो खुद भी कर सकती है। लड़कियों के पास भी बहुत से होते हैं, जैसे वो उन्हें नोच भी सकती हैं, वो खुद बचाकर अपनी हेल्प खुद कर सकती हैं, ताकि वो किसी का और इंतजार ना करके वो खुद करें। आपके हिसाब से एक ये पद इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, आप खुद क्यों नहीं एक IPS बनना चाहती?
ये मेरा सर, ये मेरा शौक था बचपन से। जब मैं छोटी सी थी ना, तब से मैं कॉलेज में अभी डीआर में पढ़ती थी ट्वेल्थ तक, तो मैं जब भी लेक्चर होता था, सिंगिंग होती थी, डांसिंग होता था, और सबसे अच्छा जो शौक है ना, मुझे बच्चों को टीच करने में आता था। बहुत मुझे बहुत इंजॉय लगता है, बहुत इंजॉय आता है। आपकी मैं एक आखिरी क्वेश्चन, आपकी पढ़ाई के अनुसार ही है, 10 महीने तक बच्चों ने कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई नहीं की, ई क्लासेस लगी, जो देहात में अभी इंटरनेट नहीं है, इन बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए जो पढ़ नहीं पाए, पास तो हो गए पढ़ नहीं पाए, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, भरपाई भी बच्चे ही खुद कर सकते हैं, टीचर दुगनी मेहनत करा सकता है, मतलब फिर भी जब तक वो पिछला वाला नहीं पढ़ेंगे तो वो आगे कैसे पढ़ेंगे, उन्हें खुद मेहनत करनी होगी सर, मैं तो यही बोलूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। बेटा नेहा, आज आपको मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है एक दिन के लिए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो किस तरह आज आप कार्यभार संभालें, किस तरह कार्य करेंगे? मैंने आज जो पेंशन के लिए जो लोग आए थे उनकी समस्या का निपटारा किया, और एक विकलांग आए थे रिक्शा की मांग के लिए, उनकी भी मांग को पूरा किया, करने का वायदा किया है, और ऐसे और पान घर घर पानी भेजने की वो मांग को पूरा किया है। अच्छा, आपने आज देखा कि सुधार की ज़रूरत है फिरोजाबाद में, विकास की ज़रूरत है? हाँ। क्या करना चाहिए सरकार को? जो घर घर में है ना, जो पानी की कमी है उसे पूरा करना चाहिए, और जो सड़क वगैरह टूटी फूटी उन्हें सही से मरम्मत करवानी चाहिए। अच्छा, आप आज तो एक दिन के लिए आपको मुख्य विकास अधिकारी बना, आगे आप पढ़कर क्या बनना चाहती हैं? मैं साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहती, क्या इंजीनियर?